टीम को एक खुफिया जानकारी मिली थी जिसमें दो सस्पेक्ट्स विक्रोल एरिया में आके आर्म्स का सेल करने वाले हैं, ये जानकारी थी। इसी जानकारी के आधार पर एक कार्रवाई की गई। ये इस कार्रवाई में दो लोगों को अरेस्ट किया गया है जिनके पास से 8 कंट्रीमेड पिस्टल्स और लाइव राउंड्स जब्त किए गए हैं। दोनों भी अरेस्टेड एक्यूज बिलोंग टू मध्य प्रदेश और ये केस का भी आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू है। सर, बैकग्राउंड क्या है आरोपियों का? ये किस तरीके से लाते थे यहाँ पर और किसको डिलीवरी देने वाले? किसको डिलीवरी देने वाले थे ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, ये तो इन्वेस्टिगेशन में आगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इलीगली आर्म्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इसके पहले भी क्राइम ब्रांच ने वहाँ के लोगों को पकड़ा है, उनके पास से आर्म्स जब्त किए गए हैं। तो आगे इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगा कि किसको सप्लाई होने वाला था इसका। कोई सर, कोई इससे स्टेप पहले लिया है? जिन लोगों को पकड़ा है उन लोगों के साथ इन लोगों को कुछ बंधन है क्या? तो उसके सामने आया गया नहीं, वो तो हम चेक कर रहे हैं अभी। सर, क्राइम ब्रांच ने पिछले महीने ही इसी इलाके से लखन सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था जो मुंबई में भी इसी तरह से मुंबई में सप्लाई करता है। एरिया तो एक ही है लेकिन कनेक्शन अब तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन वो दोनों भी अक्यूज इस गुंडे में से जो अक्यूज है और पहले प्रीवियस ऑफेंस में से अक्यूज एक ही एरिया से बिलोंग करते हैं। सर, मुंबई में कौन ऐसे लोग हैं जो लगातार बाहर से हथियार मंगवा रहे हैं? उसमें से आप लोग बाहर से जो लोग हथियार लेके आ रहे हैं उनको तो पकड़ ले रहे हैं, लेकिन यहाँ कौन मंगवाते हैं उनकी कोई जानकारी नहीं मिल क्या पाती। कोई अंडरवर्ल्ड लिंक भी है सर? नहीं, इसमें ऐसी कोई लिंक अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुई है। इसके बारे में तो इन्वेस्टिगेशन शुरू है कि डिमांड कौन कर रहा है और आगे भी किसी को बेचा जाने वाला था या फिर इसका क्या इस्तेमाल होने वाला था, इसके बारे में हम अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या इतना आटे लेके आए थे कि इससे और कुछ ज्यादा भी लेके आए थे? नहीं, अभी तो इसमें तो आठ ही मिले हैं, तो यही मान के चलना होगा कि उतने ही लेके आए थे। लेकिन फिर भी हम एक्यूज को इंट्रोगेशन तो लगातार चल ही रहा है।